हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जरूर जाने। और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के तीन सबसे लेटेस्ट और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हूं, जो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, चाहे जियो फोन में या फिर एंड्रॉयड फ़ोन में, तो दोनों के लिए ये बहुत ही खास ट्रिक है। इस ट्रिक की मदद से आप बहुत कुछ नया कर पाएंगे अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप के ये तीनों ट्रिक देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बताता हूँ पहला व्हाट्सएप ट्रिक। जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए, और पहले ट्रिक के लिए आपको किसी भी ग्रुप में, जैसे मान लीजिए ग्रुप है मेरा, इसमें आप कुछ भी मैसेज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया, लेकिन इस ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं, 100 से भी ज़्यादा, बहुत से लोग, जितने भी लोग हो सकते हैं आपके ग्रुप में। तो आप जानना चाहते हैं कि आखिर मैंने ये वाला मैसेज सेंड किया, ये कौन कौन देखा, कौन कौन नहीं देखा। या फिर आप मान लीजिए कोई फोटो सेंड करते हैं, कोई वीडियो सेंड करते हैं, तो आपको पता नहीं चल पाता कि इस ग्रुप में किस किस लोगों ने मेरा फोटो, मेरा वीडियो देखा, तो आप उसे कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए ये मैंने सेंड किया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ऑप्शन पे जाता हूँ, और ऑप्शन पे यहाँ पे मैसेज इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे है, उस पर क्लिक करते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवर हो चुका है एक लोगों के पास, और एक लोग और बच रहे हैं जिनके पास ये मैसेज नहीं पहुंचा, यानी वो अभी ऑनलाइन नहीं है। अगर कोई देख लेता है इस मैसेज को तो यहाँ पे शो करेगा। जैसे मान लीजिए ये रहा मेरे पास एक फ़ोन है, ये देखिए इस फ़ोन में भी मैसेज आया है, मैं इसे, ये देख सकते हैं इस ग्रुप में, इसे मैं देख लेता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या शो करेगा इस फ़ोन। ये देख सकते हैं मैसेज मैंने देख लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब मुझे देखना है कि किस किस लोगों ने देखा, तो यहाँ पे मैसेज पे जाइए और यहाँ पे मैसेज इन्फॉर्मेशन पे ये देख सकते हैं रीड बाई, इन्होंने देख लिया यानी एक लोगों ने देख लिया, एक लोग अभी भी बचे हैं जिनके पास अभी गया भी नहीं है, और जिनके पास चला गया सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगा। चाहे आप वीडियो भेजें, ऑडियो भेजें, फोटो भेजें, कुछ भी सेंड करते हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाता है कि कौन कौन आपके मैसेज को देख चुका है, किसके पास पहुंच चुका है और किसके पास नहीं पहुंचा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का ट्रिक है, एक बार आप इसे यूज जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे ट्रिक का, तो ये भी उससे भी ज़्यादा कमाल का है। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप में आपके बहुत सारे ग्रुप होंगे, उसमें मान लीजिए आप एडमिन है, ये देख सकते हैं ये ग्रुप है, इसका एडमिन मैं हूँ, और इसमें मैं इस फ़ोन में भी मैंने ऐड कर रखा है, यानी इस फ़ोन को भी मैंने इसमें मेंबर में ऐड कर रखा है। तो ये देख सकते हैं यही वाला ये ग्रुप है, सेम टू सेम इसमें खुला हुआ है। तो अभी मैं इसमें आसानी से मैसेज कुछ भी कर पा रहा हूँ, लेकिन इस ग्रुप का एडमिन कौन है, ये वाला फ़ोन, इस वाले फ़ोन से मैंने ये ग्रुप क्रिएट किया है, तो यानी ग्रुप का एडमिन मैं हूँ। अगर मैं चाहूँ कि इस ग्रुप में सिर्फ मैं ही मैसेज कर सकता हूँ, यानी मैं ही, यानी जो ग्रुप का एडमिन है वही सिर्फ मैसेज कर सकता है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक ग्रुप क्रिएट किया और आप चाहते हैं कि इसमें सिर्फ मैं ही मैसेज करूँ और कोई मैसेज ना करे और सिर्फ देखे सब लोग, यानी मेरे मैसेज को सब लोग देखें और उसका कोई रिप्लाई ना दे, उसमें और कोई मैसेज ना कर पाए, तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे उस ग्रुप को ओपन कीजिए, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे ग्रुप इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन होगा सेंड मैसेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल, और यहाँ पे ओनली एडमिन, तो यहाँ पे ओनली एडमिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सिर्फ आप ही अब इसमें मैसेज भेज पाएंगे, ये देख सकते हैं इसमें, देख सकते हैं यहाँ पे अब मैं मैसेज नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा ट्रिक दोस्तों उससे भी खास और मज़ेदार है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ग्रुप है, उसमें चाहते हैं कि इस ग्रुप का नाम, इस ग्रुप का लोगो कोई भी चेंज ना कर पाए मेरे अलावा, यानी ग्रुप एडमिन ही सिर्फ सब कुछ चेंज कर पाए, सब कुछ उसी का एक्सेस हो इस पे, यानी जो भी इसका नाम है जैसे कोई भी चेंज कर सकता है, इसका इमेज, फोटो कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही करें, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ पे ग्रुप इन्फॉर्मेशन पे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिलीट ग्रुप इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे सिर्फ ओनली एडमिन कर दीजिए, तो सिर्फ आप ही इसे एडिट कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।